दूसरी आयत सुनिए जो मैंने मौजूद सुखन बनाया था, ये सूरह फातिहा है और पूरा कुरान सूरह फातिहा में मौजूद है। कह दो सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा के कई अस्माए मुबारक है, इसे उम्मुल कुरान भी कहा गया है, इसे काफिया भी कहा गया है, इसे वाफिया भी कहा गया है, इसे शिफा भी कहा गया है। हुआ है, कह दो सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा जहां तक भी हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह की दे रहा हूं, सुनो जो कुरान ने दिया। किस पर इनाम हुआ? दुआ करवाई गई सिरातल लजीन अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम। जमीन पर हर दिन उर्स होते हैं, लेकिन साल में बड़े चार पांच उर्स मनाए जाते हैं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ, पीर और मुरीद का रिश्ता अगर समझना चाहते हैं तो दोस्तों बुजुर्गों यहाँ से समझना है। 26 जेठ का ये उर्स जो है, हजरत शेख अहमद सरांदी ना, बड़े सगीर का जिड़ा भी औलिया खुदाया उन्होंने इसको सवाब पहुंचाया। इन बुजुर्गों की वसादत नाल खुदाया, खास तौर पर हजरत मियां निजामुद्दीन कियानवी की वसादत नाल खुदाया, आयत उल फजल का इस मजलिस में जिड़ा भी बीमार खुदाया उन्होंने छुपा।
उन्होंने शफा, उनका डेरों में कोई बीमारी मेरा मौला पाक उन्होंने भी शफा, मेरा मौला पाक जिड़ी मुराद देके जिड़ी परेशानी देके ये एक आए हजरत जनाब बाबा जी साहब का वसीला का परेशानियां दूर कर मुरादा न पूरी कर, उनका डेरों में खैर ते बरकत कर, उनका मौला में खैर कर बरकत कर वादो कर, इनका कारोबार में वादो कर, ऐ मेरा मौला पाक जिला बेवलाद खुदाया, ऐ मेरा मौला पाक इनका बच्चा बेरोजगार है उनका रोजगार को बेहतर सिफात कर, हम सब ने खुदाया मारा बनाए की माफी दे करम कर, हम सारों को हम बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा अदा कर।